हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जय बिंदराज के शब्दों से आप सभी को चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ मेरे दोस्त जो कि कमेंट कर रहे हैं नीचे, बहुत कमेंट आया कि भाई तुम निषाद और बिंद को अलग क्यों बताते हो, क्या करूँ मेरे दोस्त। आज की वीडियो में मैं सोचा कि आपको रिप्लाई ही दे दूँ। सबसे पहले दोस्तों, मेरे भाइयों ने पूछा कि भाई तुम तो निषाद विरोधी हो, कुछ भाइयों ने पूछा कि तुम निषाद के दुश्मन हो, कुछ भाइयों ने पूछा कि तुम क्या यार निषाद को क्यों बांट रहे हो। यार, इतने कमेंट आए कि मुझको ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, मैं पूरे मानव जाति को एक समझता हूँ, यानी कि धरती पर जितने मानव हैं सभी एक हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जब कोई भी व्यक्ति, यानी कि हमारी पहचान है कि मैं बिंद हूँ, क्योंकि मैं केवल अपनी पहचान मानव तक ही सीमित रखूँगा तो लोग मुझे नहीं पहचानेंगे। क्योंकि लोग जब भी आपके घर आते हैं तो सबसे पहले आपकी जाति पूछते हैं। दोस्तों, जब शादी विवाह होता है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जाति के लोग आकर के शादी विवाह करते हैं, चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का हो। वहाँ पर आपको अपनी जाति का पहचान बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर जो व्यक्ति जिसका कोई जाति का पता ही ना हो, उसे कोई शादी विवाह करने वाला नहीं है और उसको किसी भी समाज में सम्मान भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, जाति बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाति से ही उस व्यक्ति की पहचान होती है। तो इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा जन्म बिंद जाति में हुआ है। बिंद जाति एक राजवंश रहा है और हमारे पूर्वज प्रतापी और शक्तिशाली राजा रहे हैं। लेकिन जब आ जाती है निषाद की बात, तो दोस्तों देखिए, मैं किसी भी जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं सभी जाति धर्म का सम्मान करता हूँ। लेकिन निषाद भाइयों का एक गलत मेरा काम लगता है कि बिंद से निषाद लिखवाने का काम करते हैं। मैं कहता हूं कि भाई निषाद और बिंद एक हैं, अगर हैं भी तो वे साथ, आप भी निषाद लिखिए, हम भी बिंद लिखेंगे, हमारी भी पहचान बनी रहेगी। और यदि हम अपना नाम ख़त्म करके आपका नाम लिखने लगे तो हमारा पहचान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो हम हैं, इसका मतलब है कि हम आप में अपने आप को विलय कर लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल मेरा समाज होने नहीं देगा। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों में हम लोग विलय कर लें, हम लोग मिल जाएं, तो आप ही आइए, हम लोगों में खुद को विलय कर लीजिए और अपना नेम सरनेम बिंद लगाना शुरू कर दीजिए। आपका स्वागत है, हम सभी आपका सम्मान करेंगे। और दोस्तों, रही बात, तो हम लोगों ने कभी भी निषाद को अलग समझा ही नहीं। हमारे दोस्त भी बहुत सारे निषाद हैं, लेकिन निषाद हमेशा बिंद को अलग समझता है। उसमें टाइटल का खेल है, हम लोग नाम पे नहीं जाते हैं मेरे दोस्त, हम लोग कर्मों पे विश्वास रखते हैं, सच्ची दोस्ती करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि तुम निषाद लिखते हो तो तुम अलग हो, हम लोग नाम पे नहीं जाते हैं, हम लोग कर्मों से, हम लोग दिल से हृदय से दोस्ती करने वाले लोग हैं और आप लोग नाम से दोस्ती करने वाले लोग हैं। इसलिए ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। अगर आपको भी बिंद के साथ रहना है तो आपको भी बिंद लिखना पड़ेगा, जैसे आप बिंद से निषाद लिखवाते हैं। लेकिन आपका समाज तैयार नहीं होगा और हम भी निषाद लिखने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए अगर आपको एक बनाना है मेरे दोस्त, तो इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि नारी का कोई जाति नहीं होता है। नारी ऐसी जाति है जो एक कांटेदार पौधा को भी जन्म देगी और एक सुंदर पुष्प को भी। दोस्तों, नारी जैसे कि धरती होता है, उसी तरह से धरती की तरह नारी है। इसलिए मेरा यही सुझाव है मेरे दोस्त कि अगर एक करना है तो एक दूसरे में शादी विवाह करके एकता बनाइए। मैं इसका पूरा समर्थन करूंगा। लेकिन आप नाम बदल के एकता बनाएंगे मेरे दोस्त, तो इसका विरोध मैं सबसे पहले करूंगा, क्योंकि हम अपनी पहचान को खोना नहीं चाहते हैं।
ये जो पहचान है हमने खुद से नहीं लगाया है, बल्कि हमारे पूर्वजों की दी हुई धरोहर है, और हम अपने पूर्वजों की धरोहर को ऐसे ही खोना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, बहुत पुराना गौरवशाली वैभवशाली विंध का भी इतिहास है। आप लोग समझते हैं कि केवल निषाद का इतिहास है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे भी समाज के महापुरुषों ने हमें बता दिया है, किताब लिख के हमें दे दिया है, और कैसे उनके मार्ग पर चलना है यह भी सिखा दिया है। इसलिए समाज को गुमराह करना बंद करो। अगर समाज का सपोर्ट करना है तो वोट दे के सपोर्ट करो, ऐसे सपोर्ट करो, नाम में मत जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि सबका खून एक ही होता है। मेरा तो मानना है कि इस यहाँ पर जो जितने भी ओबीसी एससी एसटी के जितने भी 85% है, सभी हमारे भाई हैं, सब एक हैं। फिर दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं किसी भी जाति का विरोधी नहीं हूँ। और कुछ मेरे भाई कमेंट किए, जब मैं जय बिंदराज बोला था कि देखते हैं कितने लोग कमेंट में जय बिंदराज लिखते हैं, कोई लोग बोले कि भाई बिंद जाति क्यों जय बिंदराज लिखवा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि मैं जय बिंदराज इसलिए कह रहा हूं कि जहां बिंद के शब्द राज शब्द जुड़ा हो, इसका मतलब बिंद के साथ राजा का यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है। और हमारे राजा, हम लोगों के पूर्वज वेणु बिंद भगवान है, हम उन्हीं की जयकार करने के लिए आपको सुझाव दे रहे हैं। इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और कमेंट में आप लोग भी जय बिंदराज जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपका दोस्त सनी, मिलेंगे किसी नए यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लिए जय बिंदराज।